जो हमारे खिलाड़ी के खेल के जज्बे को देखते हुए उनका हौसला अफजाई करने के लिए उनके प्रस्तुत करके उनका हौसला अफजाई करेंगे। पंकज की अगली गेंद और सीधे जोड़कर करने का प्रयास, रनों में कोई इजाफा नहीं। अगली गेंद अनुभवी बल्लेबाज के लिए और पटकी भी गेंद घुमा कर पाने का प्रयास। इनिंग की आखिरी गेंद पंकज के द्वारा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बल्लेबाज तैयार और घुमा कर मारा है गेंद और सिमा रखा सिमा चार रन के लिए जोरदार पारी। वन फिफ्टी सिक्स तीन गेंदों पर आठ रन जीत के लिए। सर अंडर एस्टिमेट कर दिया आपने भाई को। तीन गेंदों पर आठ रन जीत के लिए क्या कारनामा कर पाते हैं ये, क्या फिनिशर बन सकते हैं? दो गेंदों पर आठ रन जीत के लिए। तो स्ट्राइक कैसे चेंज हो गई है? छह और चार जीत के लिए गेंद अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। औचारिकता रह गई है एक गेंदों पर आठ रन जीत के लिए। आप नो बॉल देना चाहिए एक गेंदों पर आठ रन जीत के लिए। एक बार नो बॉल देना चाहिए जीत हासिल की है चारवा कैंप ने। वाहिद तूने धोखा दे दिया। सर वाहिद को एडजस्टमेंट नहीं कर रहा था। टीम के खिलाड़ी मैदान पर लाइनअप हो जाए। सबसे पहले तो हम इंडियन आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमें इधर इनवाइट करके बहुत ही अच्छा मैच खेला और हमारी बातों को भी अच्छा वो किया। लेकिन ये हमें एक इधर हमारा ग्राउंड था उधर भी हमारे लोकल लोगों ने हमें नहीं खेलने दिया। आर्मी ने हमें इतना बड़ा मौका दिया। मैं अपने पूरे क्लब की तरफ से, अनुज क्लब की तरफ से और अपने पूरे मोहल्ले की तरफ से आर्मी का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इससे ज़्यादा ना बोलते हुए हम यही बोलेंगे कि हमें आगे भी मौका दिया जाए। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा टैलेंट है जिसको हमारे मतलब लोकल भी नहीं पहचान पाते हैं। तो आर्मी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया तो हम तह दिल से उसका स्वागत। जो रन रेट का दबाव है वो कम कर पाते या नहीं, फिर से घुमा कर मारने का प्रयास और दो रन मिलेंगे। बल्ले का एक लगा और सीधे थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई और दो रन मिलेंगे। ये गेंद पटकी हुई गुगली गेंद और घुमा कर मारने का प्रयास सीधे फील्डर के हाथों में और एक रन लेते हुए बल्लेबाज। देखते हैं बल्लेबाज क्या करते हैं इस गेंद पर और हवा में गेंद, नो बॉल का इशारा। तीन रन मिलेंगे इस तरह से, तीन रन मिलेंगे। ठीक सर। आज हम यहां पहुंचे हैं द्रावा में और जहां इंडियन आर्मी ने जो टूर्नामेंट करवाया है यहां दो टीमें थी, एक फौज की और एक सोलन यूथ की टीम थी। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं फौज का कि जिसने हमें दूर दराज से लोगों को भी बुलाया क्योंकि यहाँ पेंच सरपंच और हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो काफ़ी यहाँ जमा हुई और हमने मैच देखा। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी यूथ के साथ फौज का जितना कवरेज है इतना शायद हमें आपस में भी हो या ना हो। तो मैं आर्मी फौज का, इंडियन फौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद चाहता हूँ। और हम चाहते हैं, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती है, पब्लिक यही चाहते हैं कि फौज के साथ हमारा कॉपरेट रहे, फौज का कॉपरेट हमारे साथ रहे, हम मिले जुले रहे, ताकि हमारा इस प्रोग्राम जो है ये हमारा जारी रहे। तो हमें इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है क्योंकि हमारे जो नौजवान बच्चे जो जा रहे हैं इस वक्त नशे के तौर पे, अगर उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए यहाँ फौज के साथ घूमने का, खेलने का, तो मैं कहता हूँ कि हमारे हर मुसीबतें, हर परेशानी जो है हमारी दूर हो सकती है। मैं जनाब अपने सीओ साहब का और इंडियन फौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सुरनकोट कोठा से, मैं नायब सरपंच हूँ आसमानगंज कोठा से आया हूँ, हमें बहुत दूर दराज तक कॉलें दी हैं कि आप यहाँ जमा हो जाए और आके हमारा फौज का और यूथ का प्रोग्राम जो है वो देखें। तो हमने देखा है, बहुत अच्छा सिस्टम था, अच्छी सोसाइटी के अंदर हम बैठे, अच्छी सोसाइटी के लोग थे यहाँ। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमें ऐसे बार बार दाव देते रहे
हम आते रहे, बच्चों का हौसला जो है बढ़ता रहे, मैं इसी पर आजाद चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।